फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन जो कि थोड़ा टिपिकल सा है। इसमें क्या है, जो डिबेंचर है वो इशू करा गया है प्रीमियम पे और रिडीम भी करा गया है प्रीमियम पे। तो चलिए देख लेते हैं। इशू करे हैं 365 डिबेंचर, 9% के हैं, 500 रुपये का एक है। इसे इशू करा गया है 12% प्रीमियम पे। तो अगर डिबेंचर रिडीम होगा 6% की प्रीमियम पे, और ये हमें केस दे रखे हैं, एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना, फर्स्ट कॉल पे इतना। तो जहाँ से हमारी पहली एंट्री शुरू होती है एप्लीकेशन की, वो स्टार्ट करते हैं। कैसे शुरू होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या आता है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आ जाएगा? 365 हमारे डिबेंचर हैं और 200 रुपये की एप्लीकेशन है। तो 365 मल्टीप्लाई 200, ये आ जाएगा 1,27,000। इतने हमें रिसीव हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, इसे करेंगे हम ट्रांसफर डिबेंचर। ये हमारी पहले वाले की तरह ही एंट्री हो रही है, सेम टू सेम। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, वो कहाँ आएगा, अलॉटमेंट पे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है, 9%, 9% डिबेंचर्स, सेम अमाउंट आ जाएगी 1,27,000। ये तो हो गई एप्लीकेशन की। अब जो मेन एंट्री आती है वो देखते हैं। बस इस पूरे क्वेश्चन में यही है मेन एंट्री, अलॉटमेंट की। तो कहाँ से शुरू होती है ये? डिबेंचर, जैसे हमने पहले सीखा था कि अगर कोई डिबेंचर प्रीमियम पे इशू होता है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, पहले वो लिख लेते हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब पहले तो इस एंट्री को फिल कर लेते हैं जो हमने पहले भी पढ़ रखी है। इसमें क्या आएगा, हमने कितने करे हैं, 635 इशू करे हैं। अब ये देखो, इसने ये तो नहीं बता रखा, चलो कोई नहीं, हम निकालते हैं। 500 का 12% आ जाएगा 60 रुपये, तो यानी कि यहाँ पर प्लस 60 है। अब 250 रुपये तो थे अलॉटमेंट मनी, 60 रुपये हैं प्रीमियम के, तो कितना आ जाएगा, 635 मल्टीप्लाई बाय 250, 635 मल्टीप्लाई बाय 60, और यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा 310। अब ये क्या करा मैंने, देखो 250 रुपये का तो अलॉटमेंट मनी था, 60 रुपये की एक्स्ट्रा प्रीमियम हमें मिल रही थी। तो क्या हुआ, 635 हमारे शेयर थे, तो 635 मल्टीप्लाई बाय 60, इतनी तो हमें प्रीमियम मिल जाएगी। उसके बाद जो हमारी अलॉटमेंट मनी थी जो ट्रांसफर होगी डिबेंचर के पर्टिकुलर अकाउंट में, तो वो आएगी 250 रुपये से, क्योंकि अलॉटमेंट मनी तो हमारी इतनी थी। बाकी हम एक्स्ट्रा कितना भी चार्ज कर लें, डिस्काउंट कितना भी दे दें, हमें लेना यही होता है जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू नहीं, अलॉटमेंट मनी। तो अब डिबेंचर अलॉटमेंट पे हमें मिलेगा कितना, हमें 250 तो नहीं मिलेगा, हमें 250 प्लस 60 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 310 लिख दिया। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 635 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ जाएगा 1,96,850। इसके बाद ये आ जाएगा 1,58,750, ये आ जाएगा 38,100। ये तो हमने कर ली नॉर्मल एंट्री जो हमने सीखी थी। अब इसमें दो चीज़ें ऐड होनी है एक्स्ट्रा जो मैंने बताई थी, वो मैं ब्लैक पेन से कर लेता हूँ। क्या आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये डेबिट होता है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन
ऑफ डिबेंचर। अब इसमें अमाउंट कितनी आएगी, जैसे कि मैंने पहले बताया था जो हमारा 635 डिबेंचर हमने इशू करे थे और एक था 500 का, तो हमें टोटल मनी कितना मिलेगा, 635 मल्टीप्लाई बाय 500 कितना मिलेगा, 635 मल्टीप्लाई बाय 500 317 500। हमें इसका 6% निकालना है, इसने लिखा ना रिडीमेबल एट 6%, तो हमें इसका 6% निकालना है। तो इसका 6% कितना आएगा, 19050, और यहीं पे सेम अमाउंट ही आ जाएगी 19050। ये हो गई हमारी अलॉटमेंट की एंट्री जो सबसे मेन थी। अब अगर इसमें किसी को भी कोई भी इशू आता है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना जो भी दिक्कत है वो लिख दे, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने की। बाकी जो फर्स्ट कॉल की एंट्री है वो भी एक बार देख लेते हैं। जो फर्स्ट कॉल है वो 50 रुपीज की है और 635 हमारे शेयर हैं, तो इसे फटाफट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, डी होगा डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 29% डिबेंचर, कितना आएगा 635 मल्टीप्लाई बाय 50, 635 मल्टीप्लाई बाय 50 31750। इसके बाद आती है रिसीविंग की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और ये सेम अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ पर बस आपको नरेशन वगैरह लिखनी है, वो आपकी आती होगी, और ये होता हमारा क्वेश्चन खत्म। सो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था और ऐसा आ भी सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।